हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीएमसी में न्यू वैकेंसीज को लेके, जाने की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में न्यू वैकेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी वैकेंसीज की रहने वाली हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है न्यू वैकेंसीज को लेके, अभी आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जीएमसी में न्यू जॉब्स को लेके। बहुत ही बढ़िया और शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए आई हुई है। किसकी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या इसका कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में जॉब्स अपडेट हो, बहुत ही वो इंपॉर्टेंट जॉब्स आपके लिए रहने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। तो जी आ जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे बात करें जो आपका जीएमसी में जो रहने वाली हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल कठुआ में, अरेंजमेंट बेसिस पे जो जहाँ पे कोडिंग क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि क्लर्क की बात करें, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 6 मंथ का वैलिड डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंप्यूटर के लिए, और सिलेक्शन जो आपकी होगी वो मार्क्स जितने आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्टेन है वो किए होंगे और उसी के बेस पे आपका जो रहेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड ओनली रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस 200 के लिए, और इसके लिए आपको फ़ीस जो पे करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अटैच करने पड़ेंगे, डेटा बुक, मार्कशीट 10th 12th और ग्रेजुएट की आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी, और कोई एडिशनल है 10th 6 मंथ का ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस, डोमिसाइल अगर आपका है ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के 90 पॉइंट, 12th के 5 10th के 5 पॉइंट आपको दिए जाएंगे आपकी सिलेक्शन के लिए, और आपकी जो इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रेशियो है वो 1:10 रखी गई है, और एफिडेविट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से आपका होना चाहिए, और ये सब आपने जो किया है वो होना चाहिए आपके पास, और ये आपका फॉर्म आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, और इसकी लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त रहे, तभी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और अपनी जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, और डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से अटैच किए हैं, और जहां पर डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जीएमसी में न्यू वैकेंसीज को लेकर। 45 वैकेंसी है ऑपरेटर की, यानी कि जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर टाइपिस्ट भी से बोल सकते हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए काफी शानदार ये वैकेंसी है, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए काफी शानदार ये फॉर्म है, आप इसके लिए 28 तक अप्लाई कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।